हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं IDFC फर्स्ट बैंक से जुड़ी हुई एक छोटी सी अपडेट। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहें। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक फॉलो कर सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 51.00 का लो बनाया, 52 के प्राइस के ऊपर ओपन होने के बाद 52.20 का हाई, 51.20 के ऊपर बंद हुआ। 15.6 मिलियन यानी 1,56,09,863 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। कंपनी के मार्केट कैप 31,806 करोड़ रुपए है। इसका 52 वीक लो 31.75 का और हाई है 69.30 का। दोस्तों, इससे जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, मैं आपको छोटी सी वीडियो के अंदर छोटी सी खबर को समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। IDFC फर्स्ट बैंक ने सिटी बैंक के अर्स्टवाइल हेडक्वार्टर को लीज पे ले लिया है, मुंबई के BKC के अंदर, फ्रॉम माइंड स्पेस REIT। तो अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि 44 करोड़ रुपये पर एनम किसको मिलेगा, क्या IDFC फर्स्ट बैंक को मिलेगा? अब आपको खुद ही पता चल जाएगा। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, माइंड स्पेस बिजनेस पार्क्स REIT ने एंटायर कॉमर्शियल बिल्डिंग, जो कि सिटी बैंक इंडिया के अर्स्टवाइल हेडक्वार्टर्स था मुंबई के अंदर, उसको लीज पे दे दिया है। किसको दिया है? IDFC फर्स्ट बैंक को। तो कौन यहाँ पे 44 करोड़ रुपए पे करेगा? IDFC फर्स्ट बैंक जो है 9 ईयर टर्म के लिए इस पूरी एंटायर कॉमर्शियल बिल्डिंग को लीज पे लिया है। तो 44 करोड़ रुपए पर एनम के आसपास का अमाउंट जो है IDFC फर्स्ट बैंक पे करेगा। मिलेगा किसको? माइंड स्पेस बिजनेस पार्क्स को पर एनम 44 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे के राहेजा कॉर्प एंड ब्लैकस्टोन ग्रुप बैक्ड लिस्टेड माइंड स्पेस REIT ने BKC को एक मार्की स्ट्रक्चर है सिटी बैंक से 2019 में लगभग 400 करोड़ रुपए में ख़रीद लिया था, तो IDFC फर्स्ट बैंक ने यहाँ पे 10 स्टोरी, जी हाँ, ये जो पूरी एंटायर बिल्डिंग है 10 स्टोरी प्रॉपर्टी है, इसको लगभग जो कि 1.30 लाख स्क्वायर फीट में फैली हुई है। मंथली रेंटल जो बनेगा यहाँ पे दोस्तों इस पूरे प्रॉपर्टी का 280 रुपीज़ का है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, जो टोटल यहाँ पे एनुअल पे आउट बनता है 44 करोड़ रुपए है, यानी लगभग 44 करोड़ रुपए सिटी ये IDFC फर्स्ट बैंक जो है पे करेगा जिस उस कंपनी को जिसका भी मैंने नाम लिया, यानी माइंड स्पेस REIT को, तो यहाँ पे ये जो पूरा एग्रीमेंट हुआ है इसमें एक क्लॉज है कि जो एग्रीमेंट है ये इंक्लूड करता है रेंटल रेस्ट क्लॉज, जिसमें 15% का एस्केलेशन है हर तीसरे साल में। तो टोटल इनका जो लीज वैल्यू टोटल अमाउंट बन जाता है 450 करोड़ रुपए ओवर द पीरियड ऑफ 9 ईयर टर्म्स। हालांकि टोटल 10 सालों के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया है। स्क्वायर BKC जो कि अर्स्टवाइल सिटी बैंक की बिल्डिंग थी, अब पूरी तरीके से लीज पे ले ली गई है IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा, तो ये खबर जो है अपडेट आपको पता होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे आपको लगा होगा कि 44 करोड़ रुपए IDFC फर्स्ट बैंक को मिलेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, इसका ठीक उल्टा है। IDFC फर्स्ट बैंक ने लिया है तो देना तो उसी को पड़ेगा ना, IDFC फर्स्ट बैंक को ही। तो अब ये एंटायर स्टोरी बिल्डिंग को क्यों लिया है लीज पे, अब इस चीज़ को यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेनिफिट पाने के लिए ही लिया होगा। ऐसे तो लिया नहीं होगा कि 44 करोड़ रुपए ऐसे ही कोई देगा, कोई ना कोई उसका पर्पज़ होगा ना लीज पे लेने का। और इतनी एंटायर बिल्डिंग पूरी कॉमर्शियल एरिया में है मुंबई के अंदर, सेंट्रल क्रूज के अंदर, आपको पता है। दोस्तों, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। बाकी आपसे आगे हम डिस्कस करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर के, अगर कुछ डेवलपमेंट होता है तो। टेक केयर।